कितने लंबे लंबे वजीफे लोग पढ़ रहे हैं कि कारोबार खुल जाए और रोजी बढ़ जाए, कितने लंबे चौड़े कितने किताबों में एडे एडे वे वजीफे लिखे पे, पढ़ पढ़ों जी मंदा बुढ़ा हो जाए। मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर, सुनो ये करो, मेरी बात नहीं है, मेरे नबी की बात है। तजर्बे की वजह से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यकीन से करोगे तो दरवाजे खुलते देखो। कह या रसूल अल्लाह उरीद अन युवस्सा अलैया रिज़्क़ी, मैं चाहता हूँ मेरी रोजी खुल जाए। तो आपने कहा अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्क़, तू बावजू रहा कर तेरा रिज़्क़ खुल जाए। कोई जोर लगता है वजू? तुम्हारे यहां तो सर्दी होती ही कोई नहीं कि भाई ठंडा पानी है कैसे वजू, ये तो हमारे लिए मसला है कि भाई ठंडा पानी है कैसे वजू करो। वो हमारे गांव का मरासी मुझे मिल गया, मैंने कहा चल नमाज पढ़ेगी, नहीं जी मियाँ जी सर्दी बड़ी ना ले जाओ सर्दी बड़ी, मरासियों को सर्दी ज्यादा लगती है। मैंने कहा नहीं आज तक नमाज पढ़ा के चढ़ना है। मैं उसको लेके जब वो टूटी पे बैठा ना जू ही हाथ पे पाए, ओ हाले ओ ठंडा पानी, ओ हाले ओ ठंडा पानी। तुम्हारे लिए तो ये मसला भी नहीं कि ठंडा पानी, मेरे नबी की ये सारा मजमा ले लो, ये ऊपर मस्तूरात ले लें। अदिम आला तहारा युवस्सा लेकर रिस्कुक, मेरे नबी ने फरमाया बावजू रहना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा रिस्क खोल देगा। अभी अल्लाह रसूल की आपस की बात है तो मेरी बात होती तो दीवार पे मार दो, तजर्बा करो। नबी की बात को तजर्बा करके नहीं करते, यकीन के साथ करते हैं। अदम आला तहार व्यवस्था लेकर इसको बावजू रह कर, अच्छा बावजू रहने के और फायदे। अल्लाह प्यार करता है, शैतान डरता है, और वजू होगा तो नमाज आप ही पढ़ी जाएगी। चलो यार वजू है चार फर्जी पढ़ लोगी। एक दफा शैतान आया हमारे नबी से मिलने, तो आपने उससे पूछा तेरे दुश्मन कितने, कहने लगा 15 15। आपने फरमाया कौन कौन है, कहने लगा पहला तो थोड़ा ही नंबर है, पहला नंबर तो थोड़े नाल मेरा लगो है। फिर कहने लगा वो मुसलमान जो 24 घंटे बावजू रहता है वो मेरा बड़ा दुश्मन है। जो बावजू रहता है और बावजू सोता है, एक फरिश्ता उसके लिए बंदगी का सवाब लिखता रहता है। खैर वापस आता हूं, मेरे नबी ने फरमाया चार बातें ले लो और दुनिया भी तुम्हारी आखिर, सारी PIA जिंदा हो जाएगी, सॉरी इकोनॉमी जिंदा हो जाएगी, सारी मईशत जिंदा हो जाएगी। पांच भी नहीं, एक उंगली भी आपने नीचे कर दी, कहिए बस इतनी इतनी ले लो। हिफ्ज़ अमानतिन, सिद्क हदीसिन, हुस्न खलीकतिन, इफ्फतुन फी तुहमत। क्या खूबसूरत, सारी जिंदगी किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी दयानतदारी। मेरे मुल्क के इदारे क्यों डूब गए, दयानत निकल गए, खोट आ गए, धोखा आ गया। मेरे नबी ने कहा हिफ्ज़ अमानत, कभी अमानत में खयानत ना करना, सिद्क हदीस, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। मेरे नबी की दो सिफतें हाईलाइट हुई, सादिक और बोलो क्या हैं, कोई और भी तो हो सकती थी, जिन चीज जिससे मशहूर किया, काबा कौसैन भी तो है और अदना भी तो है, वल्लैल भी तो है स्याह जुल्फों वाला, वद्दोहा भी तो है रोशन चेहरे वाला। किससे मशहूर किया, सादिक अमीन। अगर आप मुझसे सवाल करो, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं कि मौलाना साहब सारे दीन को दो लफ्जों में बताओ, सारी शरीयत को, तो मेरे पास दो लफ्ज हैं सच्चाई और अमानतदारी। आप मुझसे सवाल करो मौलाना साहब
सारी दुनिया के कुफर को बताओ तो मेरे पास दो लफ्ज हैं, झूठ और धोखेबाजी। झूठ और ख्यानत, पूरी दुनिया का कुफर इनके अंदर छुपा हुआ है। सच्चाई और दयानतदारी, पूरी दुनिया का इस्लाम इसके अंदर छुपा हुआ है। दयानत और सच्चाई ये बीज की तरह है और पूरा इस्लाम फिर बाग बन के फलता फूलता है। झूठ और धोखा ये भी बीज की तरह है, फिर इससे कुफर का जंगल कांटों भरा जन्म लेता है। मेरे मुआशरे से झूठ निकल जाए, धोखा निकल जाए, ये पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। और ये हुकूमत के बस का नहीं है कि वो सबको सच बुलवाए। ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, मैंने और आपने इसको शुरू करना है। हजरत जरीर ने, जरीर बिन अब्दुल्ला, ये यमन के शहजादे थे, हज आखिरी हज में मुसलमान हुए। अपने नौकर से फरमाया घोड़ा खरीद के ला, मैं पैसे यहां पेमेंट करूंगा। वो मंडी में गया, 300 रुपए का घोड़ा लेकर आया। जब उन्होंने घोड़े को देखा तो वो कीमती था, मालिक को पता नहीं था, और ये घोड़ों की नस्ल के पहचानने वाले। उससे कहने लगे तेरे घोड़े के 400 कर दूं। कर दो, बड़ा हैरान होकर देखने लगा, भैया कि आप तो, मैंने मुझे चीज खरीदनी है तो मैं घटाता हूं, और अजमल ने बेचनी है तो ये उसकी कीमत बढ़ाता है, और यहां खरीदार कह रहा है 400 कर दूं। वो कहने लगे कर दो। 500 कर दूं। कहने लगा कर दो। 600 कर दूं। वो थोड़ा थोड़ा घबराने लगा, भाई ये चक्कर की है। 700 कर दूं। 800 कर दूं। वो कहने लगा हुजूर तुसी लेना तो लो, पर मेरा मजाक था ना, तुसी उठाओ। कभी लेने वाले भी पैसे बताए, तुसी मैंने 300 दे, मैं जावा। कहने लगे इसको 800 दे दो और घोड़ा बांध दो। वो हैरान, खुशी से छलांगे मारता हुआ गया। तो जब वो चला गया तो नौकर ने पूछा, मैं जब 300 में सौदा करके आया था तो 500 किस खुशी में बढ़ाए? फरमाया मेरे भाई उसके घोड़े की कीमत 800 थी, 300 नहीं थी, और मैंने नबी के हाथों में हाथ दे के ये वादा किया था, जिंदगी भर किसी को धोखा नहीं दूंगा, सबकी खैर खाही चाहूंगा। तो भाई मेरे इदारों में किस टैलेंट की कमी नहीं, सलाहियतों की कमी नहीं, दयानत की कमी है, कुव्वत अमल की कमी नहीं, सच्चाई की कमी है। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम गवर्नर गुजरा है, उसके खिलाफ बगावत हुई, वो नाकाम हो गई। तो कूफा में एक बुजुर्ग रहते थे, उनके बेटे उस बगावत में शरीक थे। वो छुपते छुपाते कई साल के बाद वापस आ गए। इब्न खराश उनका नाम था, उनकी सच्चाई मशहूर थी कि इब्न खराश झूठ नहीं बोलता। हज्जाज को पता चल गया CID से के आ गए, तो उसने कहा आज इब्न खराश का इम्तिहान होगा। उसको खाने पे बुलाया, उनवान ही नहीं बनाया तफ्तीश का, खाने पे बुलाया और खाना शुरू हो गया। बातों बातों में कहता है इब्न खराश आपके बेटे हमारे खिलाफ लड़ के भाग गए थे, कुछ पता है? तो इब्न खराश हंस पड़े, कहने लगे हज्जाज जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, घर आए बैठे। तो उसने कहा तेरी सच्चाई को सलाम करता हूं, अगर तू झूठ बोलता यही तेरा सर उतारता, फिर तेरे बेटों का जाओ सलाम है तेरी सच्चाई को, तेरे बेटे तुझे मुबारक हो, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता? कहा क्या मुसलमान बखील हो सकता? आपने कहा। फिर पूछा गया झूठ बोल सकता? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। तो दो बातें हदीस पाक की, सिद्क हदीस हिफ्ज अमानत, ये दो बातें जिंदा हो जाएं तुम्हारे सारे इदारे जिंदा हो जाएं, हम नुकसान से निकलकर नफों में आ जाएंगे, नफों में आकर औरों को देने वाले बन जाएंगे। इस मुल्क में इतने खजाने अल्लाह ने छुपाए हैं और इस मुल्क में इतने अल्लाह ने इस्तेदाद वाले लोग पैदा फरमाए हैं, सिर्फ दो चीज़ों से हम मार खा रहे हैं, हमारे जो इदारे डूब रहे हैं
वो गिलगित से लेकर गवादर तक, उसमें वसाइल की कमी नहीं, सच्चाई की कमी है, दयानतदारी की कमी है। और ये रिलेटेड है रब होने के साथ कि हमने अल्लाह के रब होने में शक किया तो हम गलत राहों पे चल पड़े। रब तो अल्लाह है, देने वाला तो अल्लाह है।